सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुनवाई के 15वें दिन श्रीराम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद पर ही अपने तर्कों का धारदार हमला बोल दिया। श्रीराम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति के वकील पीएन मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था मुस्लिम इस बाबत कोई सबूत पेश नहीं कर पाए कि मस्जिद बाबर ने बनाई या औरंगजेब ने। मिश्रा ने कहा कि इस बाबत सबूत नहीं है कि 1528 में मस्जिद का निर्माण किया गया और न ही इस बात का सबूत है कि इसका निर्माण बाबर ने ही कराया था। मिश्रा ने अपनी दलील में कहा कि हाईकोर्ट ने फैसले में माना था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को नष्ट कर बनाया गया था, बाबर के कहने पर मीर बाकी ने निर्माण किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ने बहुमत से यह माना था कि इस बात के सबूत नहीं है कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। पीएन मिश्रा ने कहा, हाँ, इस बात के सबूत नहीं है कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। जस्टिस बोबड़े ने पूछा, इसका मतलब है कि बाबर जमीन का मालिक नहीं था। पीएन मिश्रा ने कहा, हाईकोर्ट ने बहुमत से माना था कि इस बात के सबूत नहीं है कि बाबर जमीन का मालिक था। बीच बीच में ऐसे क्षण भी आए जब मुस्लिम पक्षकारों की ओर से आपत्ति जताई गई और ये बताया गया कि जब सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा अपनी दलीलें दे रहे थे तो मुस्लिम पक्षकारों की ओर से डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि 24 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे काबिल दोस्त कुछ इधर उधर की बातें जो इस संदर्भ में नहीं हैं उसका जिक्र करते हैं, कोर्ट का टाइम खराब हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि वो अपनी दलीलों के संदर्भ में पक्ष पेश कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें करने दिया जाए। संजय शर्मा, दिल्ली।